हर हर महादेव। तो आज हम जानते हैं कि नंदी बैल ही क्यों है शंकर भगवान की सवारी। एक बार शंकर भगवान भ्रमण कर रहे, फिर माता पार्वती ने देखा कि शंकर भगवान ऐसे ही नंगे पैर भ्रमण कर रहे हैं। तो यह बात माता पार्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती बहुत ही उदास हो गई। फिर शंकर भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, क्या बात है, किस कारण आप उदास हैं? तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप ऐसे ही बिना किसी वाहन भ्रमण करते हैं, यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब शंकर भगवान ने अपने लिए किसी वाहन का चयन करने के लिए विचार किया। शंकर भगवान ने सभी देवी देवताओं को संदेशा भेजा कि सबके सब हमारे समक्ष प्रकट हों। जब यह बात सभी देवी देवताओं को पता चली कि शंकर भगवान किसी वाहन का चयन करने वाले हैं, तब शंकर भगवान के समक्ष कोई भी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको इस बात का डर था कि कहीं शंकर भगवान हमारे वाहन मांग ना ले। तब इस कारण से दूसरे दिन कोई भी देवी देवता शंकर भगवान के समक्ष प्रकट नहीं हुई। यह बात शंकर भगवान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब शंकर भगवान ने जंगल की ओर हुंकार लगाई। तब सारे जानवर जय जय भोलेनाथ का नाम लेते लेते शंकर भगवान के समक्ष प्रकट हुए। फिर जब शंकर भगवान ने कहा कि मैं तुम सब में से किसी एक को अपना वाहन बनाना चाहता हूँ, तब सारे जानवर आपस में लड़ने लगे कि हे भोलेनाथ, मैं बहुत ही उचित हूँ आपके वाहन के लिए। कोई कहता, हे भगवान, नहीं, मैं उचित हूँ आपके वाहन के लिए। तब भगवान शिव शंकर सबको लड़ता हुआ देखकर भगवान शंकर ने कहा, आप सभी अभी जाइए, कुछ समय पश्चात मैं सभी से किसी वस्तु की मांग करूँगा और वह वस्तु जो कोई लाकर मुझे देगा, मैं उसे ही अपना वाहन बनाऊंगा। यह बात नंदी बैल को जैसे ही पता चली, नंदी बैल भगवान शंकर के पर्वत के छुप कर रहने लगा और भगवान शंकर की सारी बातें सुनने लगा। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं उन जानवरों से, मुझे बताइए। तब शंकर भगवान ने कहा, मैं उन सब से सूखी लकड़ियाँ मांगने वाला हूँ। तब नंदी बैल ने सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लिया। कुछ समय बाद जब सारे जानवर इकट्ठा हुए, तब उस समय बरसात का महीना था। शंकर भगवान ने कहा, मुझे आप सबसे सूखी लकड़ियाँ चाहिए। अब सारे जानवर बहुत ही उदास हो गए कि इस बरसात में सारा जंगल तो भीगा हुआ है, हम सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? तब नंदी बैल जाता है और तुरंत ही सूखी लकड़ियाँ अपने पीठ पे लाद कर लेकर आता है, जिससे कि शंकर भगवान बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चयन करते हैं। तो आप सबको यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यह जानकारी भरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय शिव शंकर।